हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है इंग्लैंड और बांग्लादेश, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच कल सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड अपना फर्स्ट मैच बुरी तरीके से हार के आई है। बांग्लादेश ने इसी वेन्यू पे अपना फर्स्ट मैच जीता है बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजीली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बहुत मजेदार मैच रहेगा। देखो, बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले सकते हो। डेफिनेटली इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग टीम रहेगी, बट ये जो बांग्लादेश की टीम है ना, ये अच्छी लग रही है ऑन पेपर, और ये अपने डे पे किसी को भी हरा सकती है। 2015 में इसी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया था और वर्ल्ड कप से बाहर किया था। तो और इवन 2007 में इंडिया को हराया था, इंडिया को बाहर किया था। तो बांग्लादेश बांग्लादेश और टीम अच्छी है, ठीक है? तो बने रहो वीडियो पे। क्या चेंजेस होंगे इंग्लैंड की टीम पे, उस पर फोकस करेंगे। क्या चेंजेस होंगे बांग्लादेश की टीम पे, उस पर फोकस करेंगे। प्लस क्या ड्रीम इलेवन की टीम बनेगी हमारी, कौन से प्लेयर्स स्मॉल लीग के लिए अच्छे रहेंगे, कौन से प्लेयर्स ग्रैंड लीग के लिए अच्छे रहेंगे, सब पे बात करेंगे। तो आ जाओ वीडियो पे, बने रहो। और आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज वहीं पे तो आपको मिलते हैं सारे फाइनल अपडेट्स, टॉस के बाद टीम्स मिलती है। तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। बढ़ते आगे, बात करते सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। तो फर्स्ट मैच हो चुका है अफगानिस्तान बांग्लादेश। यहाँ पे अफगानिस्तान को 156 पे ऑल आउट कर दिया था। स्टार्ट अच्छा किया था अफगानिस्तान ने, अर्ली विकेट्स नहीं दी थी, बट सडनली विकेट्स गिरने लगी और कोलैप्स कर गए अफगानिस्तान, और 156 पे ऑल आउट हो गया, जिसमें 6 विकेट स्पिनर्स को मिली, 4 विकेट पेसर्स को मिली। फिर बांग्लादेश ने भी चेस किया 158 पे 4 विकेट, जिसमें पेसर को 0 विकेट मिली, स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। ये भी डे मैच था, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो भी डे मैच ही होने वाला है। थोड़ा स्लाइटली स्पिनर्स के लिए हेल्प रहा, थोड़ा स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा था, बट ओवरऑल पिच बैटिंग करने के लिए अच्छी रही थी। जनरली यहाँ पे पेसर्स को विकेट्स मिलती, बट ये हालांकि बिकॉज ये डे मैच है, यहाँ पे पेसर्स को उतना हेल्प शायद से नहीं मिलेगा जो पिछले मैच में भी देखने को मिला। स्पिनर्स और बैटर्स का ये मैच रहेगा, ये गेम रहेगा, ये पिच रहेगी, ठीक है? चलो बढ़ते आगे, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अभी इंग्लैंड के बारे में। तो ये रही थी इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन पिछले मैच में। हालांकि बेन स्टोक्स नहीं खेले थे, हैरी ब्रुक खेले थे नंबर 4 पे, बाकी प्लेयर्स तो यही थे। अब इस मैच में क्या चेंजेस है? बेन स्टोक्स शायद से खेलेंगे, मैंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है, तो बेन स्टोक्स से खेलने के हाई चांसेस है, और हैरी ब्रुक को मोस्ट लाइकली रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा आई फील कि क्रिस स्टोक्स और सैम करन दोनों में से कोई एक ड्रॉप होगा, और दोनों में से किसी एक के जगह पे रिस टॉपली खेलेगा। मैंने पिछले मैच के वीडियो में भी बोला था, जो इंग्लैंड वाला मैच था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, कि रिस टॉपली को खेलना ही चाहिए। सैम करन, क्रिस स्टोक्स दोनों में से कोई एक बाहर बैठेगा, रिस टॉपली आपकी टीम में होना चाहिए, बिकॉज आप नंबर 9 तक बैटिंग को नहीं लेके चल सकते हो, ठीक है? आपको इतने बैटर्स नहीं चाहिए, एक प्रॉपर बॉलर लो जो हर कंडीशन में बॉलिंग करना जानता हो। क्रिस वोक्स थोड़े डिपेंड करते हैं जहाँ पे पेसर्स के लिए हेल्प है विथ न्यू बॉल, वहाँ पे विकेट्स निकालेंगे, स्पेशली इंग्लैंड कंडीशंस में, बट इंडिया में वैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो कोई भी कंडीशन में आपको विकेट्स निकाल के दे विथ न्यू बॉल, मिडल ओवर्स और डेथ, और रिस्ट टॉपली में वो क्वालिटी है, उनको खेलना पड़ेगा। फिर आप सैम करन को हटाओ, क्रिस वोक्स को हटाओ, कोई भी हटाओ, बट हटाओ, ठीक है? तब आपकी बॉलिंग अच्छी लगेगी। ओके, बढ़ते आगे। बाकी 4 बॉलर्स में प्लेयर्स में डेविड विली है नहीं खेलेंगे, रिस टॉपली खेलने के चांसेस है, गसटकिन से कम चांसेस है, हैरी ब्रुक पिछले मैच में खेले थे, बट मुझे लगता है इस मैच में नहीं खेलेंगे। हुआ क्या पिछले मैच में, तो बेस्ट ओन ने 33 की पारी के लिए अच्छा स्टार्ट किया था बेस्ट ओन एक्चुअली, बट फिर बाद में विकेट्स थ्रो कर दी थी, ठीक है? बट हाँ, स्टार्ट अच्छा किया था बेन स्टोक्स ने। उसके बाद बात करें हम लोग डेविड मलान की, तो 14 रन की पारी इन्होंने खेली थी। फिर जो रूट की बात करें तो 77 की पारी इन्होंने खेली थी, बढ़िया लगे थे जो रूट, ठीक है? हैरी ब्रुक अच्छे लगे थे, बट वही था ना कि बड़े शॉट के चक्कर में अपना विकेट फेंका था। बटलर भी अच्छे लगे थे, 43 बनाए थे 42 बॉल में, बट सिंगल के चक्कर में विकेट फेंका था, ठीक है? मोइन अली 11 ही रन बनाए, और बहुत रन पड़े इनको, 60 रन पड़े। लियाम लिविंगस्टन 22 रन बनाए, प्लस 3 ओवर में 24 रन दिए। सैम करन ने 14 रन बनाए, 6 ओवर में 47 रन दिए, प्लस 1 विकेट निकाला, जिसमें से 2 ओवर्स मेडन थी इनकी, ठीक है? क्रिस स्टोक्स 6 ओवर में 45 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, 11 रन बनाए। मार्क वुड को भी 5 ओवर में 55 रन पड़े, कोई विकेट नहीं मिला। अदिल रशीद को 7 ओवर में 47 रन पड़े, कोई विकेट नहीं मिला। तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में स्ट्रगल किया पिछले मैच में इंग्लैंड ने, और न्यूजीलैंड ने वन साइड मैच जीता था, बट ये टीम बहुत बुरी तरीके से कमबैक कर सकती है, और पहले बैटिंग आई ना तो बहुत पिटाई कर सकती है, ये थोड़ा नोट करके चलना। बाकी प्लेयर्स के बारे में जानना है तो जान सकते हो, जैसे कि मुझे लगता है रिस टॉपली जो बहुत अच्छा करके आया है प्रैक्टिस मैच में भी, 3 विकेट निकाल के आए हैं, तो इनका नोट करके चलना। ओके, बात करते हैं अब हम लोग बांग्लादेश की।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 रही थी पिछले मैच में। तनजीद हसन प्लस लिटन दास ने ओपन, मेहंदी हसन मिराज ने नंबर 3 पे बैटिंग करी थी, नजमुल ने 4 पे, शकीब ने 5 पे, मुशफिकुर 6 पे, तोहिद रिदवे 7 पे, महमूदुल्ला 8 पे। तो उनके हो गए 8 बैटर्स। देन 3 पेसर्स, तस्कीन अहमद, शोरीपुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान। तो 3 क्वालिटी पेसर्स और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इनके आ गए मेहंदी हसन मिराज, शकीब अल हसन। ये हो गए इनके 5 मेन बॉलर। 6th बॉलिंग ऑप्शन इनके लिए रहे थे महमूदुल्ला। तो अच्छी बॉलिंग, अच्छी प्लेइंग इलेवन इन्होंने खिलाई थी पिछले मैच में। 3 पेसर्स, 2 क्वालिटी स्पिनर्स और 6th बॉलिंग ऑप्शन महमूदुल्ला। तो अच्छी लगी टीम, टीम की बैटिंग डेप्थ भी अच्छी थी, बॉलिंग डेप्थ भी अच्छी थी। तो ऑन पेपर टीम अच्छी लग रही है। चेंजेस क्या होंगे? तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस होंगे। फ्यूचर में आपको नसुम खेलते हुए दिख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प रहेगा। तो 2-3 पेसर्स में से 2 पेसर खेलेंगे और नसुम अहमद आपको खेलते हुए दिखेंगे। बट आई डोंट थिंक यहाँ पे ये खेलेंगे, सेम प्लेइंग 11 मोस्टली रहेगी। पिछले मैच में हुआ क्या? तनजीद हसन जिन्होंने वार्म अप मैचेस में अच्छा किया था वो कुछ खास नहीं कर पाए, 5 रन पे आउट हो गए। लिटन दास ने 13 रन की पारी खेली, फिर मेहंदी हसन मिराज आए 1 डाउन 57, बढ़िया बैटिंग करी एंड देन 3 विकेट्स भी निकाली थी पहले इनिंग में। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। नजमुल हुसैन शांतो ने 59 नॉट आउट बनाए, मैच विनिंग पारी रही। शकीब अल हसन ने 3 विकेट्स निकाली प्लस 14 रन बनाए। मुशफिकर नॉट आउट रहे 2 रन पे। तोहिद रिदवे को बैटिंग नहीं मिली, महमूदुल्ला को बैटिंग नहीं मिली, महमूदुल्ला ने एक और बॉलिंग भी करी थी। तस्कीन अहमद ने 6 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट निकाला था, मुश्तिकुर रहमान ने 6 ओवर में 28 देके 1 विकेट, और शोरीफुल इस्लाम को 2 विकेट मिल गई थी। तो पेसर्स ने भी अच्छा किया था और जो इनके 2 मेन स्पिनर्स मेहंदी हसन मिराज और शकीब अल हसन दोनों ने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी थी। ठीक है, बाकी और कोई प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हो जो खेल सकते हैं? जैसे कि नसुम अहमद बहुत तगड़े फॉर्म से आ रहे हैं प्लस ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं तो ये खेल सकते हैं, और कोई खेलने का चांस नहीं। तंजीब हसन तो आपको पता ही, इंडिया के सामने अच्छी बॉलिंग करी थी, 2 विकेट्स निकाले थे एशिया कप में, तो इनका नोट करके चलना। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्लेयर बैटर्स पे। ठीक है, तो बात करते हैं जॉनी बेस्टो की। जॉनी बेस्टो वर्सेस, इतने खास प्लेयर बैटर्स है नहीं वैसे तो, बट जॉनी बेस्टो वर्सेस तस्कीन अहमद एक बार आउट किया हुआ है, बाकी शकीब के सामने आउट नहीं हुए। डेविड मिलान, मेहंदी हसन मिराज ने एक बार आउट किया, ठीक है, बाकी इसने आउट नहीं किया। जो रूट को किसी ने भी आउट नहीं किया हुआ है। बेन स्टोक्स को रहमान एक बॉल में आउट कर चुके हैं। बटलर को तस्कीन अहमद 3 बार आउट कर चुके थे। इंटरेस्टिंग रहेगा, शकीब प्लस मेहंदी हसन मिराज दोनों स्पिनर्स ने एक एक बार आउट किया बट बहुत रन भी दिए हैं। मोइन अली तस्कीन ने एक बार आउट किया है, शकीब अल हसन ने एक बार आउट किया है, मेहंदी हसन मिराज ने भी एक बार आउट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें अब हम लोग यहाँ पे लिटन दास। ठीक है, लिटन दास को क्रिस ओक्स परेशान करते हैं थोड़ा सा, 2 बार आउट कर चुके हैं 4 बॉल में, कभी रन नहीं दिए। क्रिस ओक्स ने भी एक बार आउट किया हुआ है। ठीक है, सैम करन 2 बार और ओक्स 1 बार आउट कर चुके हैं। मेहंदी हसन मिराज, आदिल रशीद 1 बार आउट कर चुके हैं। नजमुल हुसैन शांत तो आदिल रशीद प्लस सैम करन एक एक बार आउट किया हुआ है। शकीब अल हसन को मोइन अली ने 3 बार आउट किया हुआ है। इंटरेस्टिंग रहेगा, आदिल रशीद भी 1 बार आउट कर चुके हैं। मुशफिकुर रहीम को आदिल रशीद ने 3 बार आउट किया हुआ है। सैम करन ने 1 बार आउट किया और किसने आउट नहीं किया हुआ है। देन महमूदुल्ला, आदिल रशीद 5 बार इनको आउट कर चुके हैं प्लस मार्कुट ने भी इनको 2 बार आउट किया हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा, बट बहुत नीचे बैटिंग करते तो आई डोंट थिंक कि आदिल रशीद के सामने ये आएंगे, मार्कुट के सामने ये आ सकते हैं, तो ये थोड़ा नोट करके चलना। ओके, सो दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग एक्सचेंज 22 की। तो चलते इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश वाले मैच में, तो यहाँ पे हम लोग किस प्लेयर को बाई या फिर सेल कर सकते हैं? तो सबसे पहले बांग्लादेश में चलते हैं। तो यहाँ पे तो आपको मिल जाते हैं मेहंदी हसन मिराज 63 में, कर सकते हो अभी भी इसको बाय कर सकते हो 63 में, बिकॉज पिछले मैच में 157 पॉइंट्स दे दिए थे इन्होंने। ठीक है, और डे मैच अगेन सेम वेन्यू है, सामने तो इंग्लैंड है, थोड़ा स्पिन के सामने स्ट्रगल करती है, सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स भी रहेंगे, तो मेहंदी हसन मिराज अच्छा कर सकते हैं, प्लस बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, वो ऊपर भी बैटिंग को आ रहे हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो 63 में बाय रेट इनका। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कौन रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, तो थोड़ा सेल रिकमेंड करूंगा, जैसे महमूदुल्ला को सेल करने का रिस्क ले सकते हो, उसके बाद लिटन मुशफिकुर रहीम को सेल करने का रिस्क ले सकते हो, तो तोहिद रिदवे को सेल करने का रिस्क ले सकते हो, तो इनके इन कुछ प्लेयर्स को आप लोग सेल कर सकते हो। इंग्लैंड की ओर से अगर कोई ट्राई करना है आपको, तो मुझे लगता है अगर पहले बैटिंग आती इंग्लैंड की तो बटलर को थोड़ा सा बाय करने का रिस्क ले सकते हो। इवन इन दैट केस अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत मोइन अली को बाय कर सकते हो 50 में, बॉलिंग भी आपको करते हुए दिख जाएंगे लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने, एंड हाँ ये कुछ प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें मल्टीबैगर में, प्रीमियम मल्टीबैगर में कॉलिन अकर्मन है, डैरिल, माफ करना मैंने को गलत मैच ओपन कर लिया, हाँ ये मैच देखते हैं। तो बटलर है, जेरमी बेस्टो है, डेविड मलान है, जो रूट है, हैरी ब्रुक के, तो सारे इंग्लैंड के ही प्लेयर्स हैं एक्चुअल में, और सारे ये हैरी ब्रुक के खेलने के चांसेस कम है, तो ये 4 बचते हैं। तो रूट और बेस्टो को यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो
जल्दी से डाउन जो दोस्तों लगाओ, इन्वेस्ट करो। और अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लो, कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में लिंक है। क्यों खेलना चाहिए पता है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बोला नीदरलैंड की ओर से, या फिर यार एक गलत मैच ओपन करो बार बार में, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश की ओर से मैंने बोला कि मेहंदी हसन मिराज को बाय करो 63 में, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे होगा, मान लो कि 63 रुपीज़ आपने एक शेयर ले लिया, 63 रुपीज़ में बाय कर लिया। मेहंदी हसन मिराज ने मान लो 2 विकेट्स निकाल दिए, मतलब 50 पॉइंट मिल गए, और 25 रन बना दिए, मतलब 30 पॉइंट मान लो, तो 80 पॉइंट देके चला गया। आपने 63 में लिया था, 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा, 17 से 20 रुपये का हो गया ना आपका काम। बाकियों से कोई लेना देना नहीं, बाकी प्लेयर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, एक प्लेयर आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि आप सेल करो महमूदुल्ला को, जैसे पिछले मैच में सेल किया था, बैटिंग ही नहीं मिली, महमूदुल्ला ने 0 पॉइंट दिए, सेल किया 30 में, 30 रुपये हमें रिटर्न मिल गए, मतलब प्रॉफिट 30 रुपीज़ का मिल गया। सिंपल है, कोई और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन। प्लस ये आपसे GST नहीं लेता 28%, ये आपसे TDS नहीं लेता 30%, तो सोचो कितना बेस्ट है। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो। तो दोस्तों 9 प्लेयर्स मैं अपने टीम में ले चुका हूँ, इवन मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना चुका हूँ। अब हमें और 2 प्लेयर्स को पिक करना है, ठीक है। कौन से भी हो सकता है, बांग्लादेश से ले लो आप, इंग्लैंड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कौन से 2 प्लेयर्स। तो मैंने विकेट कीपर सेक्शन में बटलर बेस्टो दोनों ले लिए, आप लिटन दास मुशफिक और दोनों में से कोई भी ले सकते हो। फिर बैटिंग में मैंने जो रूट और मलान को ले लिया, इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो जिनका फॉर्म बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था, उनको ले सकते हो। हैरी ब्रुक अगर खेलते तो ये ट्राई कर सकते हो नंबर 4 पे, और बेन स्टोक्स खेल जाएंगे तो उनको ले लेना, ठीक है। इसके अलावा तंजीत हसन ग्रैंड लीग ट्राई करो, तो इदरिदा महमूदुल्ला ग्रैंड लीग ट्राई करो। ऑलराउंडर में शकीब, मेहंदी हसन मिराज, मोइन अली, तीनों स्पिनर्स को मैंने ले लिया, तीनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर से। इसके अलावा सैम करन है, लियाम लिविंगस्टन है, कोई भी ले सकते हो। सैम करन अच्छी बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, लियाम लिविंगस्टन कुछ और सबको बॉलिंग भी देंगे इस मैच में, बिकॉज ये डे मैच है, तो उस हिसाब से इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी बैटिंग तो करेंगे नंबर 6 पे। बॉलिंग में मैंने मार्कुट और आदिल रशीद को लिया है, आदिल रशीद द स्पिनर, उनको मैं पिक किया है। मार्कुट को मैंने पिक किया है, रिस्ट प्रॉपर्ली खेलेंगे तो मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे, यहाँ पे मैं कोई सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, शोरीपुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी रहेगी। मैं 2 प्लेयर्स कौन से लेने वाला हूँ, तो एक तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, तो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए यार, कोई तो मैंने लिया था, फिर भूल गया मैं किसको लिया था भाई। ठीक है, तो एक सैम करन को मैं अभी के लिए ले रहा हूँ, टॉपली खेलेंगे तो मैं सैम करन को टॉप करके टॉपली ले लूंगा। अब फाइनल प्लेयर या तो नजमुल को ले लो बिकॉज ऑफ हिस फॉर्म, और फिर या तो चाहो आप इंग्लैंड का ही कोई प्लेयर ले लो, जैसे बॉलर ले लो क्रिस ऑक्स, ठीक है। अगर आपको लेना ही है जिस टॉपली खेलेंगे तो उनको हम लोग ले लेंगे, बैटर में लेना है तो हैरी ब्रुक को ले लो अभी के लिए, और ये टीम बना लो। बट मुश्किल है, हैरी ब्रुक वर्सेस स्पिनर्स थोड़ा मामला बैठता नहीं है, तो अभी के लिए नजमुल को ही लेते हैं और ये टीम बनाते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या चेंजेस होंगे दोनों टीमों में, बट मोस्ट लाइकली मैं 9 प्लेयर्स जो मैंने आपको दिखाए वो मेरे सेम रहेंगे। बाकी 2 प्लेयर्स पर हम चेंजेस करेंगे डिपेंड ऑन द प्लेइंग 11 ऑफ बोथ द टीम्स प्लस पिच रिपोर्ट द कंडीशंस, ठीक है। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है टॉस के बाद, तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। कैप्टन एस कैप्टन से मैंने जरूर मेहंदी हसन मिराज और शकीब अल हसन को दे दी है, बिकॉज दोनों बैटिंग भी कर रहे हैं, दोनों पूरे 10-10 और बॉलिंग भी करेंगे, तो ये रहेगा, इसलिए मैंने इनको दे दिया। इसके अलावा तो ऑप्शंस आपके पास कौन बचता है, जो रूट एक अच्छा ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, और या चाहो तो फिर बाकी द बेस्ट हो जॉस बटलर ट्राई करना कर सकते हो। बट मुझे लगता है मेहंदी हसन मिराज शकीब अल हसन थोड़े से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से मैं दोनों के साथ जा रहा हूँ। इवन आप रिवर्स भी कर सकते हो कैप्टन एस कैप्टनसी, ठीक है। ग्रैंड लीग जो रूट आपकी कैप्टन होनी चाहिए, बेस्ट आपकी कैप्टन होनी चाहिए, डेविड मलान होनी चाहिए, तो ये 3 प्लेयर्स पे फोकस करो फ्रॉम बैटिंग साइड फ्रॉम इंग्लैंड। बॉलिंग साइड में ऑब्वियसली फिर आपके पास मार्कवुड है, इवन आदिल रशीद है, आप इनको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन एस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। एंड देन मोइन अली हु कैन बैट एज वेल बॉल, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट गट फील के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो टॉप 3 इंग्लैंड बैटर्स है ना, इन पे फोकस कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।